हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमान अंसारी। जैसा कि आपको पता ही है, बड़े बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू लेते हैं। जी हाँ, आज ही यूट्यूब पर एक बंदा वायरल हुआ है जिसका नाम है भगलुआ। इनका तालियों से स्वागत करें। चाचा जी, हमारी जनता आपसे पूछना चाह रही है, आप गांव में करते क्या थे और आपका गांव कहाँ है, कैसे कैसे आप वायरल? देखो भाई, गांव का जो हमारा जिंदगी है ना, हाँ, वो बड़ा ऐसो आराम का है साला। यहाँ धूल मिट्टी खाने से अच्छा है कि वहाँ बासी रोटी और चावल खाते हैं और मस्त रहते हैं भैया। ठीक है जी चाचा। साला यहाँ जब से आए हैं डेली 100 ग्राम धूल मिट्टी तो ऐसे नाश्ता में खा लेते हैं, खाना के पूछो ही नहीं। चाचा जी, आपके गांव में रहन सहन मतलब क्या, कैसे आप वायरल हुए? गांव में जो है ना, वहाँ सारा खुला खाना और खुला हगना है। ठीक है, ऐसे मुँह क्या बना रहे हो? हम गलत बात हगते नहीं हो क्या घर पे? जी सर, बट चाचा यार ऐसे शर्मा रहे हो यार, शर्माने वाला बात है। इधर वही वाला बात कर रहे हो कि 10 गो बच्चा पीछे लेके घूम रहे हो, दुकान में कोंडा मांगने में शर्म आता है। 10 गो बच्चा लेके घूमने में शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? चाचा जी असली लिए पब्लिक चैनल है तो चाचा जी। अरे पब्लिक है तो पब्लिक जानता ना है क्या कुछ हो, जनसंख्या कैसे बढ़ गया इतना? गजपति याद तो जानकारी दे रहे हैं हम लोग को। आपके साथ कौन कौन रहता है? एगो है हमारा भतीजवा साला टिनैया, हीरो है वो तो। हीरो? टिनैया हीरो, हीरो अलग होता है, टिनैया हीरो अलग। मतलब टिनैया हीरो मतलब चाचा जी, उसको देखोगे तो मालूम चल जाएगा बाबू आपको। चाचा जी वो आए हैं आपके साथ? बिल्कुल आया हुआ है, चाचा है, भतीजा ना है, कैसा बतिया रहे हो? चाचा जी बुलाए उन्हें? अब बिल्कुल बुलाओ। अरे टिनैया, टिनैया आ रहे हैं। अरे मुंह से बोल रहे हो, कहीं और से बोल रहे हो? आवाज तो फटाफटा का आ रहा, जल्दी आ। तो आपका नाम क्या है? टिनैया हीरो। टिनैया हीरो, टिनैया हीरो जी। आपको टिनैया हीरो बोला क्यों जाता है, मतलब इस नाम के पीछे क्या राज है? एक बार हम नाही पे आ रहे थे। नाही? नाही नाव को कहते हैं। अच्छा नाव। हाँ, तो तीन नाव पे पैर रख के आए थे जी। हाँ, तीन नाव पर पैर। बाप तुम्हारा का ये चप्पल पहने है, तो नाव पर बैठ के आया था। हाँ हाँ, ये साला ज्यादा बोल रहा है। चाचा जी ने आपकी बहुत तारीफ करी है। आपके गांव वाले किससे बड़े हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जानना भी चाहते हैं हमारे दर्शक। कहाँ पूछ रहे हो यार? गांव वाले किससे? किससे क्या किससे? मतलब कहानियाँ। अच्छा बताते हम गाँव की कहानियाँ जी। चाचा जी पहले लगा ले जी। तनैया जी देखो, एक बार क्या हुआ, एक लड़की ट्यूशन से आ रही थी। गांव में भी ट्यूशन? अरे कोचिंग होता है यार। लड़की आ रही थी। हाँ लड़की आ रही थी। हम जा रहे थे। तुम जा रहे थे। लड़की पे थोड़ा दिल आ गया। फिर? थोड़ा टक्कर मार दिए। फिर? लड़की गिर गई। तो? लड़की गिर गई, उठ के हमको तमाचा मार दिया। हमको बड़ा तेज लगा तमाचा। वाह। हम थरथरा गए। हमने बोला भैया प्यार मोहब्बत अपनी जगह, गुस्सा अपनी जगह। हमने भी एक मुक्का मार दिया पीठ पे, भाग गई साली कुत्ता पे बैठ के, घर चले गए। चाचा जी के भतीजे बहुत जी, आप मुंबई में गए थे ऑडिशन देने, क्या हुआ था उस दिन, मतलब कुछ हुआ था क्या? अच्छा भैया ऑडिशन? हाँ ऑडिशन। अरे भैया ये मतलब ये क्या है? ये हमारा स्टाइल है रे। स्टाइल? हाँ। भैया देखो हुआ कैसे। क्या? हम गए ऑडिशन देने। हाँ। द वॉइस किड में। द वॉइस किड? हाँ जी, मैं गाना गाते हैं। अच्छा। हाँ। पहले नंबर पे आए। वाह क्या बात है। गेट से बाहर। गेट से बाहर? हाँ, पता नहीं, बोल रहा था बहुत अच्छा गाते हो, कहीं और ट्राई करो। हाँ जी बंदरिया जी, जो आप द वॉइस किड में गए थे गाना गाने, तो मतलब कुछ गाइए, महफिल बैठाइए। अरे बहुत अच्छा गाते हैं यार हम। सुनाइए फिर थोड़ा। अरे चाट देनी मार देनी की। अरे इतने गंदे मार, पब्लिक भी मार रही है हमें, आपके साथ साथ हम भी पिटेंगे। साला पागल ही पब्लिक, साला अच्छा आर्टिस्ट का कदर ही नहीं है। तो आप आर्टिस्ट कहते हो अपने आप को? साला पागल नहीं देने।